कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन है? अरे यार चंदू, तुम आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो यार? अरे मैंने आपकी छत पे भूत देखा है। पागल, भूत भूत नहीं होता कोई भी। सिद्धू साहब, इनको मजाक सूझ रहा है, सच्ची में मैंने अपनी आंखों से भूत देखा है। बिल्कुल साहब, मेरी बात सुनो। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी बात मानो, इस सोसाइटी में भूत है और मैं इस सोसाइटी में नहीं रह सकता। देखा, लाइट गई। और डॉक्टर साहब मेरी बात मानो, इस सोसाइटी में भूत है। हैं? हाँ। नहीं यार, जाए। प्लीज मेरी बात मानो, आपने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं जा रहा हूँ बस। जाए जाए। तो भूत मतलब क्या? पापा, पापा मैं हूँ। खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने भूत कहा तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी चुड़ैल है, उसका भूत कौन बोल रहा है? पप्पू, अरे वो तो आज मैंने बाल धोए, सोने जाई थी, मेकअप निकाली, इसलिए ऐसी लग रही हूँ। हाँ, और जिस दिन इसने होंठों पे लाल लिपस्टिक लगाई होती है ना, हाँ तो उस दिन लगता किसी का खून पीने जा रही है ये। ये पहला बंदा ऐसा है जिसकी शक्ल हैशटैग जैसी है, बेटी एल ओ एल लोल जैसी पैदा की। और जाके चुपचाप सो जाओ, मेरी नींद खराब कर दी है। नींद तो किसी ने हमारी खराब की है, रात रात भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकता रहता है। तो कोई अच्छा सा पीपल का पेड़ देके चिपट क्यों नहीं जाती? पापा! हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गई। अपना नंबर बोलो, हमें ला दिया। आप लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, पर वो थोड़ी ना रोज रोज आती है। तुम्हारे तरह थोड़ी ना मुंह उठा के कभी भी रात को 3 बजे आ जाती है। ओ क्या तुमको लॉटरी पसंद है, इस बात में मेरे को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सहारा दूंगा लॉटरी को। मैंने तुझे बेसहारा ना कर दिया ना, तो मैं भी सोसाइटी का दुलारा नहीं। हट जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। यहाँ क्यों चले भाई? तुम मेरे यहाँ चलो, मैंने बड़े लोगों को ठीक किया है। मैंने ये हॉस्पिटल पेशेंट लगाने के लिए खोला हुआ है। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। मैं आप लोगों की बात में नहीं आने वाली। एक मिनट, बात तो मैं, तू नहीं आती रेस्टोरेंट में, तू नहीं आती, तू क्या दुनिया में IPL होस्ट करने आई है? बातों में नहीं आती, कहीं पे भी नहीं आती। मुझसे बात कर लो, मैं बातों में आ जाती हूँ। तेरा क्या है, तेरा तो मुंह भी दरवाजे में आ जाता है। कल सिद्धू जी के यहाँ आई हुई थी, कहती ताली जितनी मर्जी ठुकवा लो, पिज्जा खिला दो। ताली ठुकवाने की बात मैंने कही थी, ये तो सिद्धू साहब की गाड़ी साफ करने लगी थी। बेटे मैं ना तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचीवमेंट अवार्ड दिला है, तुम्हें कोई विजिटिंग कार्ड नहीं देता, अचीवमेंट अवार्ड तुझे कौन देगा? बात तो ठीक है। पापा, कीप क्वाइट। तुम्हें कैसे पता कितने लोग इस अचीवमेंट के पीछे घूमते रहते हैं? पता है मेरे को घूमे गई, पान वाले से पान खा के पैसे नहीं देती, कहती मेरे को एक आध आंख मार लो। अरे पापा ये झूठ बोले, मैं पान वान नहीं खाती। अब बड़ी गंदी गंदी चीजें डलवाती है ये पान में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गप्पू। ज्यादा बोलेगी तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा, ये पान वाले के साथ चिल्लम पीती है। एक तो मेरे को समझ नहीं आता भूत को इतनी रात को हंसी क्यों आ रही है यार। बेटे एक काम कर, मेरे लिए ना एक गिलास पानी कर ले गया। अच्छा। ये कुर्सी क्यों हिल रही है? लगता है इसको ठंड लग रही है। मैं इसको चादर दे देता हूँ। फीलिंग बेटर? कैन आई सिट? अब तो
ठीक हो जा। पानी ले आए बेटे। पापा। पानी। तो ये पानी मेरे को कौन देके गया? मैं तो अभी लाई हूँ पानी आपके लिए। बेटे। मेरे पीछे कोई है? आपके पीछे कौन है? कोई नहीं है। बेटे तुम्हारे पीछे। तेरा बेड़ा गर्क ऐसे कौन चलाता है? हुआ करके। कप्पू मुझे डर लग रहा, कुछ करो। कप्पू खबर है, खबर है। अब भूत। खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो। अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ बेटे। इनमें भी दूध दूध वगैरह ही चलता है ना, बियर वगैरह लेते क्या है? मुझे कैसे पता होगा पापा? तू तेरा तो उठना बैठना चुड़ैलों के साथ। मैं तुझे देख लूंगा। अभी देख लो। नहीं अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं रिपीट टेलीकास्ट में देख लूंगा, मेरे को भी नींद आ रही है। गुड नाइट। चलो बेटी चलो चलो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या? बंपर क्या है? मेरा रोमांस खराब क्यों कर दिया? आधी रात को किसी जवान लड़की के साथ टकराने का तुम्हारा क्या मतलब बनता है? ए तेरा अपने आप को जवान लड़का कहना बनता है? वो छोड़ वो छोड़, तुझसे पकोड़ा बनता है, समोसा बनता है, लड्डू बनता है, चाय बनता है, अपनी बीवी के साथ रिश्ता बनता है, क्या बनता क्या है तेरे से, बनता क्या है? इतनी रात को क्यों लड़ाई करी है मोटी? कपूर शर्मा मुझे बताते हुए आपको बड़ा दुख हो रहा है कि हम आपकी नानी को बचा नहीं पाए। क्या हुआ नानी को? ठीक तो है नानी? अरे वो तो अपनी जवानी में ठीक नहीं थी, अब क्या ठीक होंगी? आने तो नीचे देखती हूँ इसको मैं। अच्छा? अरे ओ मोटी, मेरे नीचे सिर्फ एक ही चीज आती है, पैर की जूती। लेकिन तेरी जबान बहुत चल रही है, सोचती हूँ तेरी जबान खींचकर अपनी पैर की जूती बनाकर पहन लूं। अच्छा, नाना के साथ अपनी जोड़ी तो बना नहीं पाई, जूती बनाएगी, झूठी कहीं की। ये बंपर, इतना मारूंगी कि 6 महीने तक बैठ नहीं पाएगी अपनी बंपर। आप लोगों को शर्म नहीं आती इतना बड़े होकर बच्चे के तरह लड़ते हुए? इनको नहीं आती बिल्कुल भी। हमें देखो हम कितने प्यार से रहते हैं कि नहीं? खबरदार में कप्पू की तरफ देखा तो। और तुम भी सोचना भी मत कप्पू के बारे में। पापा अब तो सो रहे थे। बेटी मेरा ना लॉटरी की आवाज सुन के मेरे अरमान जाग गए। ओए क्या होए? हाँ पापा से तमीज से बात करो, लगती क्यूट हो लेकिन लेडीज को जब मारती हूँ ना तो बेदर्दी मारती हूँ। एक मिनट, वो जो तूने क्यूट वाली बात बोली ठीक करो उसको, जो जल्दी जल्दी बोल गई तुम। क्यूट कहाँ से लगती तुम? क्यूट हो? ऐसे लड़के पालने से अच्छे तो आप गलत फहमी पा लेते हैं डॉक्टर। गुड नाइट वाला डांस करना चाहूंगा मैं। मैंने तो कब की पाल रखी है जी गलत फहमी, आप तो मौका नहीं दे रही बस। खबरदार अगर लॉटरी के बारे में किसी ने गलत फहमी पाली तो। शट अप। च्यवनप्राश के डब्बा खोलने के लिए ताकत की दवाई खाने वाले? ए, लगता तुम्हें फिर मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। हाँ अब तो ये चीक भी अपने दम पे मारता है, पहले तो इतनी सी मारता था। हाँ जी इनको ज्यादा पता क्योंकि मेरा मुंह जो साफ करते हैं ये। हाँ तो तू मेरे जूते साफ करता है, मैं तेरा जूते जैसा मुंह नहीं साफ कर सकता। ए, चाय वाले खबरदार जो मेरे कप्पू के बारे में कुछ भी कहा तो शाबाश, पत्ता साफ कर दूंगी इस मोहल्ले से तेरा। पत्ते खेलने वाली औरत।
हम यहाँ से ना गए ना तो हम सब ने साफ हो जाना है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और चले जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब एक साथ सोना चाहिए। I don't mind. That is a good idea. मैं अपनी चारपाई लेके आता हूँ। Good idea, good idea, good idea. इधर आ जाओ, मैं सो जाता हूँ। और मैंने तुझे सदा के लिए सुना देना, इधर आ जा। हैं? अच्छा तो ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तुझे सदा के लिए मैंने सुना देना है? ये आप सबको सदा के लिए क्यों सुला रहे हैं? इंसान के लिए 8 घंटे की नींद काफी होती है। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। क्या? अरे जैसे म्यूजिकल चेस करते थे ना, क्यों ना म्यूजिकल खटिया कर ले। दैट इज अ गुड आइडिया। ये क्या बात हुई, लेकिन खटिया में म्यूजिक कहाँ होता है? Get up! Music! हर बार से मार रहा अपना। हर बारी। मम्मी, मुझे धोने नहीं सर, ये लगता है हमारा शो बड़ा पसंद है। आमी मॉम जॉली का। मैंने कहा था ना क्या भूत है, अब बोलो कुछ, होगी बोलती बंद है। रोड़ा साहब, रोड़ा साहब, हैं? रोड़ा साहब, अरे अरे भाई वाह, कितना बहादुरी वाला काम करके गया। अगर सुबह होने तक तुम लोगों ने ये मोहल्ला खाली नहीं किया तो मैं सबका खून पी जाऊंगी।
मेरी बात सुनो, हम मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ना? हाँ, हाँ। चलो 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 बेटे, इधर बेटे बेटे। नानी बोल मटोल। मैं तो जा ही रही थी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं नहीं मत पीजिए ना। नहीं मत भाई, ये क्या कर रही है? ऐसा मत कीजिए। नहीं देखिए ऐसे मत कीजिए। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे क्या कर रही हैं आप? कितनी ही कुत्ते। अरे आप भूत हैं, चुड़ैल हैं, चुड़ैल छुड़िए। अरे यार हेलो, अरे कहाँ है चुड़ैल? मैंने चुड़ैल देखनी, मैंने ताजमहल देखा, मैंने कुतुब मीनार देखा, मैंने आज तक चुड़ैल देखी नहीं है। अरे बेटी सरला, ये क्या बना रखा तुमने? है मैं सरला नहीं, चुड़ैल हूँ। अरे चुड़ैल हो तो चिपट जाओ फिर। आप खड़ी क्यों है? धमा क्यों नहीं होती यहाँ से? आधी रात को मर्दों की आवाज में हंसने वाली औरत, मुझे तुम्हारी हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब वो भी नहीं करने को दिल कर रहा। आमी शाती। मैंने तुम्हारे लिप्स पे मोबाइल मारना है। मैं अरे तुम्हारे गले में बेस बड़ा, वैसे मुझे तो लगता बेबी को बेस पसंद है। पर मेरे को तेरा फेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जो टेढ़ा कर दो और गंदा लगता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है, तुम अपने आप को बर्तन वाले को दे के एक कटोरी ले लो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट टेम्पर, 3 दिन 4 रातें वॉशिंग मशीन में फ्री। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? आ रही है तो अभी बताती हूँ तुझे। अब बहुत हो गया। ये क्या है? ये अरे ये तो है। अच्छा आपके पास टूथब्रश है? मेरा खराब हुआ है। मैं टूथब्रश बेचने नहीं आई हूँ यहाँ पर। तो बेचा करो, 4 पैसे आएंगे, शैम्पू खरीदना अपने बालों पे करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कितना गंदा लग रहा है। एक बात बताओ, ये जो आपने सर के ऊपर फार्म हाउस खोला है, इसके अंदर तकरीबन कितनी जुएं पाल लेती हैं आप एक टाइम पे? मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ये पक्का जुएं के साथ जुआ खेलती है। मैं जुआ भी खेलती हूँ और खून का खेल भी। अगर 2 घंटे में तुमने ये जगह खाली नहीं की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी मैं जा रही हूँ। जा कहाँ? नहीं मैं 2 घंटे इधर बोर होऊंगा, इधर बैठो बातें करते हैं। अरे यार तो यार मारे भी बड़े रिश्तेदार पूछ चुड़ैले, इतना कोई एटीट्यूड दिखाता नहीं वैसे। सिद्धू जी इसको समझा लो, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ओ फिर भाभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ही इज मैरिड। सिद्धू जी भूतों से नहीं डरते, वो बुखार यूनुस से नहीं डरते। इसी चक्कर में आउट हो गए थे 1990 में। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगी। जान ले लो, मैं डरता नहीं हूँ, मेरा पजामा वैसे ढीला है, मैं डरता नहीं हूँ। तो ऐसे ही हो रहा है। मैं जा रही हूँ। ऐसे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हूँ? 2 मिनट बैठो, मैं इधर बोर होऊंगा, फिर क्या कर रही हो तुम? मुझे छोड़ दो। यार के बाद मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा हूँ, ऐसा कैसे छोड़ दो? 2 मिनट रुको, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता। अपनी चारपाई यार, तूने मेरा चिन्ना राम कम किया हुआ था जो भूतों के पीछे पड़ा हुआ है। तो MBA भी पढ़ जाता पर मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। इधर तुमने जाना मैं। एक मिनट, मेरे भूत को छोड़ो। मेरे तेरा भूत? तेरा भूत? हाँ ये सब इस चाय वाले का किया था, इसने मुझे पैसे दिए थे भूत बनने के लिए। खजूर की टीचर आप? तू निकला आस्तीन का सांप? हाँ हाँ बड़ी गंदी एक्टिंग कर रहा है। मैंने किया सारा कुछ। वाह क्यों, आखिर क्यों? एक गरीब आदमी करता तो क्या करता? इस सोसाइटी ने कभी मुझे इज्जत नहीं दी। देंगे भी नहीं। यहाँ तक कि मेरे चाय के पैसे भी नहीं दिए कभी इन्होंने। वो भी नहीं देंगे। मैंने सोचा था ये जगह खाली करवा के यहाँ पर मॉल बनाकर बेचूंगा,
मुझे तेरी मजबूरी पसंद नहीं आई और मैंने मजबूरी में ये फैसला ले लिया। पीछे हट जाओ, अंडा देने वाला है। यार कोई सीरियस नहीं है। इसकी तो सजा मिलेगी तुझे। बराबर मिलेगी। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाओ। देखो देखो, पुलिस को बुला के अपने मोहल्ले का आदमी बिल्कुल बुरा है। एक काम करो, चादर इसके मुंह पे डालो, इसको पीटते हैं। मेरी मुंह पे काम की। देखो सारी रात खराब की है तुमने, बड़ी मार खा ले। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी। हाँ जी। आपने कभी बब्बर शेर को गाते हुए सुना? दहाड़ते सुना है। दहाड़ता सुना ना, माइक में दहाड़ते हुए सुना कभी किसी बब्बर शेर को? आज आपको मिलवाते हैं। हाँ। एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है, चार साहिबजादे, द राइज ऑफ बंदा सिंह बहादुर। इस फिल्म में इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज दी है। ये मेरे जैसे सिंगर जहां पे खत्म कर देते ना, ये उसके कई सौ किलोमीटर आगे जाके शुरू करते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सुखविंदर सिंह। इतनी बुलंद आवाज है उसकी जितना ऊंचा आसमान है। नाज है तेरे गीतों पे सबको, तू सुरों का अभिमान है। जब भी सुना मैंने चक दे इंडिया, तो यूं लगा सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। क्या बात है। आ गया गुरु। सुखी बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बाजी। ये हमारी इंडस्ट्री के सुतली बॉम्ब है। इतनी धमाकेदार आवाज है इनकी, ये बड़ी जल्दी, मुझे तो शक है कि गवर्नमेंट हमारी अनाउंस ना कर दे। हाँ? कि सुखिंदर जी आप रात 10 बजे के बाद नहीं गाएंगे। पाजी इसके पीछे राज क्या है? इतनी बुलंद आवाज के पीछे आपकी आवाज सुनते तो लगता है कि कोई 9-9.5 फीट का आदमी होगा, कोई बड़ा सा पहलवान होगा, इतना बड़ा गला होगा। पाजी कैसे, क्या राज है इसका? बेसिकली मोहब्बत है संगीत से, और हमारे गुरुओं ने भी सिखाया था कि जितना आप लोज का यानी नीचे के स्वरों का रियाज करोगे, उतना आपका ऊंचे का सुर बुलंद होगा। वाह क्या बात। अच्छा सुखविंदर पाजी ने हर तरह के गाने गाए हैं, लेकिन पाजी पिछले 2-3 सालों में ना आपने तकरीबन इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अच्छा? पूरी इंडस्ट्री से टाइटल सॉन्ग तो सुखविंदर पाजी के अलावा कोई किसी से गवाते नहीं। इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी तेरी तरह इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स सबको देना चाहिए पाजी, तभी देश की तरक्की हो सकती है। Am I right? जोरदार तालियां पाजी के लिए। पाजी आइए। अच्छा मैं पाजी आपको बड़े सालों बाद, आपके जितने भी लाइव शोज मैंने देखे हैं, आप ये हेडसेट ज्यादा आजकल यूज करते हो माइक पे, मैंने आपको बड़े सालों बाद आज अपने शो पे देखा है। हाथ से बदल देते हैं इंसान को। क्या उसके पीछे क्या हाथ था? आज आपने नोटिस किया होगा सिद्धू साहब कि मैं इसको यहाँ पे रख के गा रहा हूँ। शो में इतनी लाइटिंग होती है कि थोड़ा स्वेट भी हो जाता है, तो यहाँ होंठों पे मेरे शबनम फैली हुई थी और ये भी थोड़ा मूड में आ गया था, तो यहाँ पे लगा बाई चांस करंट है, इजाजत थोड़ी लेता है सर। तो लगा मैं सिद्धू साहब जरा तड़फे हैं उठते स्टेज सर जी, मोहतरमा और बिजली का करंट जब लगा ना, बंदा पानी नहीं मांगता। आपको कोई टाई वाला केस हुआ था ना पाजी किसी इवेंट में भी? कुछ क्या हुआ था वो? सिद्धू पाजी, वो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो मैं थोड़ा हाइड करके भागना चाहता था, यानी स्टेज के पीछे से ही
गाड़ी खड़ी की थी कि वहां पे मैं जाऊंगा और सीधा वहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड पतली गली से निकल जाऊं। हाँ। कोई एक शिकारी को ये प्लानिंग पता चल गई। शिकारी उस कॉन्सेप्ट में मैंने टाई पहनी हुई थी, रेड कोट एंड टाई, वो टाई पकड़ के सिक्योरिटी वाले आए भी और उस वो लटक गया, कहता मैनू ये टाई चाहिए थी, मैनू ये टाई चाहिए थी मुझे। आप सोचो सामने वाला खड़ा है और टाई पकड़ी हो और वो लटक जाए, वो तो जिंदा हम लटक जाएंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ओ भाई तेरे को टाई देता हूँ, दो मिनट का सबर तो कर। दो चार लोगों ने उसका हाथ भी पकड़ा, मैं टाई कैसे भी करके मैनेज करके उतार के दी और मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रख गया, कहता एक और ले लेना। पाजी आप इतने समय से आप हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं, अब हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं। हालांकि आपको पता चल गया होगा पाजी, म्यूजिक की दुनिया में ब्रदर्स जो हैं बहुत हुए हैं, आपको ऐसी दो सिस्टर्स से मिलवाना जा रहा हूं जिन्होंने सूफी गायकी से जो है एक नई मिसाल कायम की है। फिल्म 4 साहेबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह, उनमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नूरा सिस्टर, हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और हम बड़े बड़े समय से चाहते थे कि आप हमारे शो में आए, प्लीज यहाँ पे विराजमान। चले जाऊंगे महाराज, कमाल कर दिया, बम निकाल दिया। गीत गजल या कवाली, हर लफ्ज इनका सदाबहार है। गीत गजल या कवाली, हर लफ्ज इनका सदाबहार है। धड़क उठे हैं दिल, बज उठे वीणा और सितार है। सुरों की साधना में अपना पूरा जीवन देने वाली इन दोनों बहनों का संगीत से नाता बड़ा दमदार और सदाबहार है। क्या बात है, कमाल कर देता। और पुत्रा तू दे मैगना आसमान जा वजिए तेरी आवाज, क्या बात है, बम कर छड़े, बम संगीत ठोको भाई ठोको। आओ जी आओ, बैठिए बैठिए, आओ पाजी। अच्छा, दो जिस्म एक जान हमने सुने थे, दो आवाज और एक गीत, और इतना बखूबी निभाते हैं लोग स्टेज पे कि मतलब कमाल है, आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, हमने जब भी इनको सुना है, देखा है नूरा सिस्टर्स के नाम से, तो इनमें से एक का नाम है ज्योति और दूसरी का नाम है सुल्ताना। तो पहले तो हमें ये बताइए, आप में से ज्योति नूरा कौन है, सुल्ताना नूरा कौन है? ज्योति नूरा ये है जी। ओके, सुल्ताना नूरा मुझे पता था, मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा था। अच्छा, ज्यादातर पाजी ट्रेडिशनल फैमिलीज में लड़कियों को गाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, पर आप दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी और मुझे लगता है कि इन दोनों बहनों को देख के हर माँ बाप चाहेंगे कि उनकी जो बच्चियां हैं उनका नाम रोशन करें। ये नूरा सिस्टर्स अपने आप में एक मिसाल है। इनके पूरा परिवार जो है टैलेंट से भरा पड़ा है, बाहर पेमेंट जाने नहीं देते। तो इनके पिताजी हैं जो बहुत अच्छा हारमोनियम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं जो यहाँ पे तबले पे आप इनको देख रहे हैं, और दोनों बहनों को तो आप सुनते ही रहते हैं, और मम्मी भी पक्का ही गाती होंगी फिर? नहीं, मम्मी गाती नहीं। आता होगा पक्का, बताती नहीं होगी किसी को। हाँ। अच्छा, आप दोनों मिलके गाती हैं तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये लाइन मैं गाऊंगी ये तू गाना? कभी ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठी रहो, म्यूजिक खाली निकल गया हो? ऐसा तो नहीं कभी हुआ? नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि हम दोनों डिसाइड तो करते नहीं इतना। अच्छा। क्योंकि पापा को पता है हम दोनों झगड़ते बहुत है आपस में। अच्छा। क्योंकि फिर वो ही कंपोजिशन बनाते हैं और वो ही लिरिक्स देखते हैं। ओके। तो फिर उनका ही सारा होता है कि इनकी लाइन पहली होगी और दूसरी लाइन मेरी होगी। अच्छा। वही डिसाइड करते हैं। पाजी ये बात कहां तक सच्चा है, आपको दीपिका पादुकोण पे बड़ा क्रश है? हमने सुना है कहीं से। क्रश तो आपको भी है। वही वही मैं इसलिए कि जब आपको पता था ऑलरेडी मेरा क्रश है, फिर आप मतलब। और यार क्रश तुम्हारा और मेरा क्या करेगा, बाजी तो बाजीराव ले गया। कौन है आप दोनों, किनका बच्चा लेके भाग रही हैं आप? अच्छा, बच्चे की बात देखो, कर कौन रहा है, जो खुद शादी से कोसों दूर भागता है।
यार बोल के सारा सस्पेंस मार दिया तुमने। चंदू तू ये क्या पहन के घूम रहे तुम लोग? हाँ तो कुछ पहन कर ही घूम रहा, मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ मैं? यही बात मेरे से क्यों नहीं पूछी? आप क्या पहन के घूम रहे हैं आप? मैं ये पहन के घूम रहा हूँ जो दिख रहा है भाई। अच्छा डॉक्टर साहब का ये बड़ा है, कुछ भी पहन लेते हैं, आज तो फिर भी सामान कम पहना हुआ है। ओह सुखी बाजी, ओह वाह अनुरा सिस्टर्स, की हाल है बाजी? वाह वाह वाह, हेलो जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब पूरा माहौल बना हुआ है। हेलो, डॉक्टर साहब इधर बैठिए बैठिए, आराम से बात करिए। ऐसे कौन आराम दिलाता भाई? बट कपिल शर्मा जी, Can I just introduce myself to our esteemed guests? Gigi, please. Hi, I'm Dr. Monsieur Gulati. Dr. Monsieur Gulati, hello. Dr. Monsieur Gulati, hello. Hello, sir. MLA. अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर, अभी कह रहे हैं MLA. MLA क्या मतलब? शित साहब, इनको MLA का मतलब नहीं पता. इतने कंट्री में MLA हैं, मुझसे मतलब पूछ रहे हैं आपकी MLA का मतलब क्या है? भाई MLA का मतलब म्यूजिक लवर और देख। एंड सारे आपके जो छोटे से परिवार है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तो डॉक्टर साहब आपको कैसे पता इनका परिवार छोटा सा है? तुमने सुना नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार। मेरे को हर चीज मेरे से पूछनी है। ए, तुम दोनों बने क्या हुए हो? देखिए हम बताते हैं नूरा जी, जैसे आपका बड़ा अच्छा नाम है नूरा सिस्टर्स, तो हमने आपका नाम थोड़ा सा चुरा कर ना अपना ग्रुप खोल लिया है। आप नूरा सिस्टर्स हैं, हम नूरी सिस्टर्स बने। नाम चुराने से क्या होता है? नाम तो तेरा भी चंदन है, कितनी गंदी स्मेल आती तेरे पास। तो कोई बात नहीं, कुछ आता या कुछ जाता थोड़ी है। खबरदार खबरदार, अगर मेरी सिस्टर को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे बुरा? आपसे बुरा तो आपके बगल में खड़ा है। तुम्हारे मुंह खराब होने की वजह से मेरी बात कट गई। हमारे ना ये खानदानी काम है, ऐसे नहीं हम लोग ये लेके घूम रहे। हाँ। कौन सा खानदानी काम? आपके खानदान में कौन गाता था? नहीं गाने का नहीं, औरत बनने का। मेरे डैडी को ना लड़की बनने का बड़ा शौक था, वो तो इतना ज्यादा शौक था खुद की शादी पे दुल्हन बन गए थे। मेरी बात सुन, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन वगैरह कराओ, ये तुम टाइम खराब कर रहे हो बहस वगैरह करा के। हमारा जैसे मैं करवाता हूँ। हाँ जी, जैसे आप सब सुरों के बादशाह हैं, ये सुरों के बादशाह हैं। ये कीचड़ में लेट के गाते हैं, इनको कुछ सुनता सुनता है नहीं इनको? कीचड़ में यस लेट के गाते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इन्होंने 3-4 बार आउट ऑफ कीचड़ गाने की हमने कोशिश की, लोगों ने वापस कीचड़ में खींच लिया, तो हमने कहा फिर आना ही है कीचड़ में, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, इवेंट लंबा जाएगा तो कीचड़ में पहले ही रहो, प्रोग्राम लंबा खींच जाता है कई बार। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, अपने ग्रुप की बेइज्जती कर रहे हैं। कितनी देर तक हम होल्ड कर पाएंगे तुमको पता ही है। कैसे मतलब? तुमने यहाँ गाया नहीं, हमारी बेइज्जती हुई नहीं, ये तो होना ही है। तो कोई बात नहीं, बेइज्जती से वैसे मेरा याद आया, यू नो वी हैड ए इवेंट इन दुबई। ओह लास्ट वीक। दुबई आप कहाँ चले गए? पासपोर्ट आपके पास है नहीं? राशन कार्ड में वीजा लग गए थे? नहीं नहीं, वहाँ पे इतनी इतनी मिट्टी थी, वहाँ पे रेत था बहुत। नहीं वो रेत नहीं थी, वो जूहू बीच था, गड्ढे में गाड़ा हुआ था आपको। As a doctor, I want to say something to this sir, to Nura sisters, that I am sorry कि मैंने try किया गाना। Yeah, तो मैं जाऊँ तो? जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ, इसने नहीं रहा, आओ चले। Thank you. अब जो आ रहे हैं, जो फनकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये इनका डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट तरीके का गाना है, और इनके पहले ही एल्बम से लोगों ने इनको सर आंखों पे उठा लिया था। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी हैंडसम सरदार रॉक स्टार रबी शेरगिल। मुझे रवि पाजी से एक बात पूछनी थी। पाजी जब मैंने आपको पहली बार बुल्ला सॉन्ग सुना तो मैंने वीडियो नहीं देखा था, मैंने ऑडियो सुना था,
तो मुझे लगा किसी गोरे ने गाया है, क्योंकि पंजाबी उसकी वर्डिंग जो है बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, और आपने इतना स्लैंग, पाजी एक तो होता है कि आपके गुरु से आपके अंदर आती हैं चीज़ें, पाजी ये स्टाइल कैसे आपने, कैसे सोचा कि आपने ऐसे गाना है? आई ग्रू अप इन दिल्ली लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ 80s US टॉप 20 US टॉप 40, तो मेरी जो आप मान ले कि जो मेरे हीरोज थे वो सारे थोड़े से वेस्टर्न थे, और अब इस बात को मैं ओपनली सबके सामने मानना चाहूँगा कि मैं जो हूँ एक कोकोनट हूँ जी, नारियल है, ब्राउन ऑन दी आउटसाइड एंड वाइट ऑन दी इनसाइड। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ फिल्म चार साहिबजादे, द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर हैरी बवेजा साहब, जोरदार तालियां उनके लिए। राजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार। सर सबसे पहले तो आपको चार साहिबजादे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और अब जो आपकी दूसरी फिल्म आ रही है चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह, उसके लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, लोग इंतजार कर रहे हैं। पर सर मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि चार साहिबजादे इतनी कमाल की आपने फिल्म बनाई, उसके बाद ये वाली फिल्म जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि ये कहानी को आगे ले जाती है जहाँ हमने पिछली फिल्म खत्म की थी, एक सही मायने में जिसे हम सीक्वल कहते हैं, जहाँ वो फिल्म ख़त्म हुई ठीक वहीं से ये शुरू होती है, उसी दीवार से जो टूट के गिर गई थी। सो कोशिश की है कि उससे बेहतर हो, हमेशा यही कोशिश होती है। क्या बात है सर, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं भाई। फिल्म में बड़ा अच्छा मैसेज भी है कि जो सच्चाई है उसके आगे जो बुराई है वो घुटने टेक ही देती है। एक डायलॉग बड़ा मुझे अच्छा लगा सर कि सिख की कृपाण जो है वो कृपा के लिए उठती है, जुल्म के लिए नहीं। सो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ है फिल्म में। इसको धक्का मार मार के तो हमारा सांस ही फूल गया। अरे डर मत, घबरा मत, मर्द बन। इतनी मुश्किल से औरत बनी, अब दोबारा मर्द बन जाए। अरे संतोष छोड़, उनको देखना, इनको देख, इतने लोग बड़े बड़े कलाकार बैठे। अरे 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 हाँ, आप लोग आए हुआ। नमस्ते 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 नमस्ते। हम किए रब्बी जी को नहीं किया तुमने नमस्ते, उनको नहीं जानती क्या? ना ना, हम तो उनको जानते हैं लेकिन वो खुद को ही नहीं जानते। मतलब कब से पूछते रहते हैं बुल्ला की जाना मैं कौन। आपको पता है ज्योति सुल्ताना, जैसे आप लोग छोटे से शहर से निकल के आज वर्ल्ड फेमस हो गई हैं, पर इनको कोई नहीं जानता। मुझे बेटे आपका मुंह पसंद नहीं आया है। हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या है कि हमको कोई चांस देता नहीं है, इसके लिए हम अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है। और हमको ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात का कि आप तो रिकॉर्डिंग करने आएंगे नहीं, इसलिए हम स्टूडियो ही दे लिया है। सुखविंदर जी इधर आइए, आप मुहूर्त कीजिए स्टूडियो का, हम लोगों ने बनाया है तो आप आइए गाना गा दीजिए। अरे ऐसा कैसे है, अकेले थोड़ी गाना गाएंगे, हम भी गाएंगे इनके साथ। गा दीजिए, डुएट गा। देखिए चलिए, टैलेंट से टैलेंट टकराएगा तभी तो टैलेंट का मलबा बाहर आएगा। आइए ना हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो में आइए आइए आइए। अरे आइए ना आइए। देखिए साउंड बाहर नहीं निकलना चाहिए, दरवाजे को बंद कर दीजिए। अरे बंद कीजिए। अरे गाने, अरे गाना गाइए, गाना गा। अरे देखिए हम और नहीं खोलिए, थोड़ा खोलिए। अरे देखिए थोड़ा सा छोटा बन गया है स्टूडियो। कोई बात
बात नहीं, अगर गाना नहीं हुआ तो इनका सम्मान कर दीजिए सुखविंदर जी। चलिए आपका सम्मान मैं ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक मिनट इधर आइए, दोनों का फोटो खींच लेते हैं। फोटो हो गया, अभी हम आशीर्वाद भी ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये गृह प्रवेश करेंगे। अरे आइए आइए, कितना है, अच्छा है, बढ़िया हो गया। अच्छा सुनिए, आप दोनों का शादी हो गया है, अब यहाँ पे आप हनीमून मनाइए। ये तुम लोग क्या कर रही हो, धोखे से शादी करा रही हो? तुम लोग तो एल्बम बनाने आई थी अपना। हाँ तो बना तो दिया, अब इनकी शादी का एल्बम में फोटो खींचे तो है। चलिए बाय। कहाँ बाय? अरे आज, अरे मैं तुम्हें एक बात कहनी भूल गया। क्या? गड़ट बदतमीज औरत, ये इनकी बातों में कहाँ आगे बाजी, बहाने बहाने में शादी कर लेती है। 115 शादी कर चुकी है। अरे शादी सबसे होती है, डोली कोई नहीं लेके जाता इसकी। अबे डोली का काम ये तुम्हारा, वो भी ये लो। चल चल, एक बार सारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ बाजी, एक कम लोग सेल्फी लेते हैं। हम ये रहे ये रहे, तुम्हारा मुंह आ रहा बाहर हो। थैंक यू। इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाजत लूं, मैं चाहूंगा कि पाजी फिल्म चार साहिबजादे से जो आपका गाना है वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्योंकि जब ये गाएंगे फिर मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आना चाहूंगा। तो मैं आपसे पहले विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप कोशिश करें कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने गली मोहल्ले में अपने शहर को साफ रखें। आइए मिलजुल के अपने देश को स्वच्छ बनाएं, और आइए सुखी पाजी से एक गाना सुन के अपने मन को मंत्रमुग्ध बनाएं, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।